और सीधा रुख करते हैं और सुनाते हैं कि हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या कुछ कह रहे हैं। 50,000 रुपए किया गया है कृषि और बागवानी भूमि में सिल्ट आने पर पहले लगभग 1400 रुपया प्रति बीघा मुआवजा दिया जाता था, इसे बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रति बीघा किया है। कृषि और बागवानी योग्य भूमि को नुकसान पर पहले 3,000 रुपया प्रति बीघा की मदद दी जाती थी, जिसे राज्य सरकार ने 10,000 रुपया प्रति बीघा कर दिया है। साथ ही आपदा में गाय भैंस की मृत्यु पर मिलने वाले मुआवजे को 37,000 रुपये से बढ़ाकर 55,000 रुपये किया गया है। इसके अलावा भेड़ और बकरी की मौत पर मिलने वाले 4,000 रुपये को बढ़ाकर 6,000 रुपया कर दिया है। हमारी सरकार के मंत्री, एमएलए और प्रशासन आम जनता को तुरंत राहत प्रदान करने के लिए मौके पर पहुंचे। प्रदेश सरकार स्पेशल पैकेज के तहत प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए 100 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। इसके अलावा हमारी सरकार ने डिजास्टर प्रिपेयरनेस के लिए एक लॉन्ग टर्म योजना तैयार की है, जिससे भविष्य में ऐसी जिस पर लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे भविष्य में ऐसी आपदाओं के दुष्प्रभाव को कम किया जा सके। प्रदेश में कृषि, बागवानी, वन और जल क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए लैंडस्लाइड, अवलांचेस, बाढ़ और भूकंप के लिए प्रत्येक जिले में उच्च स्तरीय वैज्ञानिक डेटाबेस का विकास एवं आपदा प्रबंधन को मजबूत किया जाएगा, जिससे होने वाले नुकसान को रोका जा सके। विधवाओं और एकल नारियों की मुश्किलों को समझते हुए हमने मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना शुरू की है। इसके तहत इस वर्ष 7,000 ऐसी महिलाओं को मकान बनाने के लिए प्रति महिला 1.5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। हम स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी शहीदों और आजादी की लड़ाई में भाग लेने वाले सभी महानुभावों को याद करते हैं और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रदेशवासियों के सहयोग से हम आने वाले 4 वर्षों में हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे और आने वाले 10 साल में हिमाचल प्रदेश देश का सबसे अमीर और समृद्धशाली राज्य होगा। स्वतंत्रता सेनानियों को प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली सम्मान राशि को, जिन्होंने आजादी में अपनी कुर्बानियां दी है, को मैं 15,000 रुपए से प्रति माह से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह करने की घोषणा करता हूं। जिन स्वतंत्रता सेनानियों की मृत्यु हो चुकी है, उनकी पत्नियों को प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही सम्मान राशि को भी 15,000 प्रति माह से बढ़ाकर 20,000 प्रति माह करने की घोषणा करता हूं। शत्रु सेना के विरुद्ध ऑपरेशन के दौरान युद्ध दुर्घटना में शहीद होने अथवा घायल या गुम होने वाले सैनिकों के आश्रितों को प्रदेश सरकार द्वारा अनुग्रह अनुदान राशि प्रदान की जाती है। प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली इस अनुग्रह अनुदान राशि में मैं 50% की बढ़ोतरी करने की मैं घोषणा करता हूं। युद्ध या युद्ध जैसी परिस्थितियों में शहीद सैनिक के आश्रितों को 20 लाख रुपए के स्थान पर अब 30 लाख रुपया दिए जाएंगे। नॉन ऑपरेशनल क्षेत्रों में अथवा ऐसे ऑपरेशनल क्षेत्रों जहां युद्ध ना हो, मरने वाले सैनिकों को आश्रितों को 5 लाख रुपए के स्थान पर अब 7.5 लाख रुपया दिए जाएंगे। ऑपरेशन में 50% से अधिक अपंग हुए सैनिकों को 3.75 लाख रुपए तथा 50% से काम की